है एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बताने वाले हूं आपको बहुत सारे लगभग 10 हिट से रिलेटेड काफी जो फ्रेजेस होते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला है हिट द स्पॉट। हिट द स्पॉट का मतलब होता है मुंह की बात को छीन लेना। देखिए हिट का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब एक ही होता है, तो हिटेड हिटी में कुछ मत करेगा, तो हिट का वही होता है, ठीक है। जैसे हिट द स्पॉट का मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब होता है मुंह की बात छीन लेना। जैसे पहले मैंने बताया एक्सक्यूज मी, चलिए आज पार्टी हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा खा पी लेते हैं, ठीक है, मुर्गा चिकन राइस तंदूरी व्हाटएवर, ठीक है, थोड़ा खा लेते हैं, तो आप कहेंगे ओ माय गॉड यू हिट द स्पॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मुंह की बात छीन लिया। ओ माय गॉड सी हिट द स्पॉट, यानी उसने मुंह की बात छीन लिया। तो ये था हिट द स्पॉट का मतलब, मुंह की बात छीन लेना, ठीक है जी। चलिए आपके सामने एक और होता है हिट द मार्क। हिट द मार्क का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल या टू सक्सीड, इसका मतलब होता है सफल आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट आप डेली स्टडी कर रहे हो, अच्छी खासा, ठीक है, मार्क्स ला रहे हो, मैं कहूं ओ माय गॉड यू आर हिटिंग द मार्क्स, इसका मतलब है कि आप क्या हो रहे हो, सफल हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम हिटिंग द मार्क, इसका मतलब क्या है कि मैं सफल हो रहा हूँ, क्लियर, ऐसे करके बोल देंगे। नेक्स्ट आपके सामने है हिट द डिक। हिट द डिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हिट द डिक पहले मतलब बता रहे हो, इसका मतलब होता है अचानक से या फटाक से लेट जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट आर्मी लोग होते हैं, हम ही लोग होते हैं, बंदूक की गोली सुनते हैं तो क्या होता है, जमीन पर फटाक से लेट जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हिट द डिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ माई गॉड यू आर हिटिंग द डिक, इसका मतलब आप जमीन पर लेट रहे हो। सी इज हिटिंग द डिक, हे डोंट हिट द डिक, इसका मतलब जमीन पर मत लेटो, ठीक है, जमीन पर अचानक से मत लेटो, क्लियर ना। ये हो गया हिट द डिक, ठीक है। अब आपके सामने एक और आता हूँ हिट द रूफ। तो हिट द रूफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आग बबूला होना। जैसे आग बबूला मत हो, डोंट हिट द, क्या होता है, जैसे बताया मैंने आग बबूला, डोंट हिट द रूफ, इसका मतलब आग बबूला होना। जैसे आप आग बबूला हो रहे हो, यू आर हिटिंग द रूफ, वह आग बबूला हो रही है, सी इज हिटिंग द रूफ। देखिए जितने भी आपको मैं idioms बता रहा हूँ, जितने भी आपको मैं phrases बता रहा हूँ ना, इस पे आपको हर एक phrases पे क्या करना है, sentences बताना है आपको, अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। तो चलिए आपके सामने एक और नेक्स्ट लाता हूँ, एक है कि हिट द रोड। तो हिट द रोड का मतलब क्या होता है एक्चुअली, राइट, हिट द रोड का मतलब होता है टू स्टार्ट जर्नी, इसका मतलब तो आप जाना, समझ सकते हैं, ठीक है, जाना ऐसे ही, ठीक है, स्टार्ट करना जर्नी को। जैसे फॉर एग्जांपल दैट आप कॉलेज जा रहे हैं, मैंने कहा ओ माय गॉड यू आर हिटिंग द रोड, इसका मतलब हो कि आप जा रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो कॉलेज जाना, क्लियर नॉट। जैसे कि आई एम हिटिंग द रोड आई एम हिटिंग द रोड, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। जैसे कहने का मतलब मैं जा रहा हूँ तो क्या बोलूंगा, जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी, तो आई एम हिटिंग द रोड। जैसे बैग वगैरह लेकर निकल रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, जस्ट आई एम हिटिंग द रोड, इसका मतलब मैं जा रहा हूँ, क्लियर ऑनर। तो एक बार हिट द रोड। एक आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट लेता हूँ जो कि हिट द बुक। हिट द बुक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्टडी अलॉट, इसका मतलब होता है स्टडी को स्टार्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ माई गॉड हे आई एम गोइंग टू हिट द बुक, इसका मतलब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं मतलब स्टार्ट ही करने जा रहा हूँ, खतरनाक, ठीक है, या स्टडी अलॉट बहुत ज्यादा पढ़ना, ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है, स्लैंग टाइप का आता है, नॉर्मली आप कह सकते हो। तो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पढ़ने जा रहे थे, सी इज गोइंग टू हिट द बुक, यू आर गोइंग टू हिट द बुक, आपको एग्जाम्पल में लिख देना है। मैं देखिए एग्जाम्पल तो नहीं दूं, अपने आप से ही बना के लिख देना है कि कौन भैया पढ़ने जा रहा है, स्टडी को स्टार्ट कर जा रहा है, ठीक है जी। एक आपके समय बहुत इंपॉर्टेंट लेता हूँ जो है कि हिट द सैक या फिर होता है एक हिट द बेड। इन तीनों का मतलब होता है कि गो टू स्लीप, इसका मतलब सोने जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हिट द हे, या आई एम गोइंग टू हिट द सैक, या फिर कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू हिट द बेड, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन तीनों पर जबरदस्त सेंटेंस बनाना है ताकि आपको मैं समझ सकूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है जी। चलिए आपके सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डेली लाइफ की स्पीकिंग में होता है, ठीक है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप आसानी से इसको समझ जाने वाले, ठीक है। देखिए वो क्या है, वो हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है टू टेल समथिंग एग्जैक्टली विच इज राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट आपको घुमा फिरा के बात कर रहे तो सही बताना, कोई एग्जैक्टली समथिंग राइट बताना कि जो सही है उसको बता देना। क्या होता है, क्या होता है, टू हिट, क्या होता है, टू हिट द नेल ऑन द हेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हे डोंट बीट अराउंड द बुश, तो बीट अराउंड बुश का मतलब एक्चुअली होता है कि घुमा फिरा कर बातें करना, ठीक है, घुमा कर पॉइंट पे नहीं बात करना, घुमा फिरा कर बातें करना। डोंट, क्या बोला मैंने, डोंट बीट अराउंड द बुश, यू फर्स्ट ऑफ ऑल हिट योर नेल ऑन द हेड, इसका मतलब है कि सही सही जितना है सही सही उसको पहले पे बताओ, ठीक है। जैसे सी इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या हो गया, वो अपने सिर पर ऐसे नहीं करे, मतलब वो सही से एग्जैक्टली बता रही है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है।
सो अगर आपको पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड जस्ट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा आपको पसंद आएगा। जय हिंद।